सो गाइस इंस्टाग्राम पे जो है गाइस कुछ इस टाइप की जो रील है बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, जो कि गाइस ये वाला जो सॉन्ग है इस टाइम पे भी इंस्टाग्राम पे बहुत ही ट्रेंडिंग में आया है। तो गाइस अगर आप लोग भी इस म्यूजिक पे अगर अपनी रील बनाते हो तो गाइस इसके वायरल होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिखाने वाला हूँ कि गाइस आप लोग जो है कैसे इस टाइप की रील जो है एडिट कर सकते हो। तो आप लोग वीडियो जो कंप्लीट वॉच करना, पूरा ट्यूटोरियल मैं आपको समझा दूंगा। जो भी मटेरियल होगा मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो गाइस सबसे पहले आप सभी को करना है गाइस आप लोगों को जो यहाँ पे VN एप्लीकेशन को सिंपली ओपन कर लेना है गाइस, ठीक है। एंड VN एप्लीकेशन में जैसे ही आप ओपन करोगे तो गाइस आपको जो यहाँ पे सिंपली आपको न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे सॉरी मैंने ऐड पे क्लिक कर दिया थोड़ा, तो मैं आपको कट कर लेता हूँ उसे। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको प्लस के ऊपर क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद जो आप सभी को मैं न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ से जो आप लोगों को अपनी वीडियो को ऐड करना है जिसको आप एडिट करने वाले हो गाइस, ठीक है, जो वीडियो आप एडिट करने वाले हो, तो उसको मैं सिंपली यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। एंड अगर कोशिश करना है कि जो आपकी जो वीडियो होगी उसमें जो है स्काई जो है मतलब कि अच्छे से दिख रहा हो, मतलब कि एकदम कोई प्रॉब्लम ना हो स्काई में, जैसे कि आप मेरी वीडियो देख सकते हो। बाकी आपको ऐड वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, फोटोज़ में जाना है। फोटोज़ में जाने के बाद गाइस यहाँ से आपको एक फोटो डाउनलोड करना है। मैं 3-4 दे दूँगा आपको टेलीग्राम पर, ठीक है, अपने मैं वहाँ से डाउनलोड कर लेना गाइस, ठीक है। तो मैं अभी एक ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, इनमें से कोई सा भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं आपको 4-5 फोटोज़ दे दूँगा। तो अभी जो हम इसको स्क्रीन को इसको बड़ा करके जो हम नीचे की साइड में कुछ इस टाइप से रख लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे गाइस यहाँ पे, अब गाइस इसका ओपेसिटी जो कम करके चेक करेंगे कि गाइस ये जो है हमारे मतलब कि नीचे बैकग्राउंड तक आया है कि नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ तक आ चुका है, तो अब इसको जो लेयर है हम इसको एंड तक ले जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, ऐसे। अब गाइस जो लास्ट में जो वाटर मार्क है हम सिंपली इसको डिलीट मार देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से सिंपली ऐड वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे। एंड यहाँ से क्लिक कर देने के बाद वापस से जो वीडियो हमने इंपोर्ट करी थी हम उसी वीडियो को यहाँ पे दोबारा इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद क्या करेंगे, जहाँ पे आपको फिट का एक ऑप्शन मिलेगा आपको सिंपली फिट कर देना है। फिर आपको क्रोमा की के ऑप्शन में जाना है। एंड जैसे आप वहाँ जाओगे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि क्या चीज़ हमें हटानी है इसमें से, ठीक है। तो हमने हटा दिया। अब गाइस देखिए यहाँ तक इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, जब आप इतना काम कर लोगे तो आपको जो है यहाँ पे सेटिंग वगैरह आप अपने हिसाब से रख लेना गाइस, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसने पूरा रिमूव कर दिया है जो भी हमें बैकग्राउंड में नहीं चाहिए था, ठीक है। हमारा सिर्फ मॉडल फ्रंट में अब, ठीक है। इतना हो जाने के बाद गाइस उसके बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, जब आपका इतना काम हो जाएगा तो आप लोगों को जो है सिंपली मतलब कि आप लोगों को इजीली चले जाना आपको जो ऊपर वाली जो लेयर है आपकी जो सबसे फर्स्ट वाली जो आपने ऐड करी है अभी, ठीक है, उसको आपको सिंपली चले जाना लेके फिल्टर में जाने के बाद जाना एडजस्ट। ओके गाइस सो यहाँ पे आपको जाना, फिर उसके बाद जो कॉन्ट्रास्ट इसको कम कर देना गाइस, और जो यहाँ पे ब्राइटनेस इसको भी थोड़ा सा कम कर देंगे, ठीक है। मतलब कि जो एडजस्टमेंट होगी वो आपको अपने हिसाब से कर लेना है। मतलब कि गाइस ये एडजस्टमेंट मैं आप लोगों को इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि गाइस क्या है कि सबकी लोकेशन जो है अलग अलग होगी। जैसे कि गाइस मेरे बैकग्राउंड में थोड़ा सा ग्रीन है और जो डार्क है डार्कनेस है, तो आपको जो है मतलब कि आपकी वीडियो भी अलग हो सकती है थोड़ी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो की तरह आपकी वीडियोज़ होगी थोड़ी बहुत भी, तो आप सेम इसको कॉपी कर सकते हो गाइस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं अपनी वीडियो के हिसाब से यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी अपनी वीडियो के हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेना, सब कुछ आपके सामने है, ठीक है गाइस। यहाँ पे तो मैं जैसे यहाँ पे कर रहा हूँ, जैसे गाइस ये ग्रीन को मैंने यहाँ पे येलो कर दिया थोड़ा सा, तो मैं इतना रख लेता हूँ गाइस। देखिए यहाँ पे मैंने वीडियो को प्ले किया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है बैकग्राउंड सब जो ये मैच हो गया गाइस, ठीक है। बैकग्राउंड से हमारा मॉडल भी मैच हो गया, हमारी जो आगे की वीडियोस वो भी मैच हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना काम हो चुका है हमारा। अब देखिए गाइस यहाँ पे क्या करेंगे, अब जो ऐड वीडियो पे हम दोबारा क्लिक करेंगे। ऐड वीडियो पे दोबारा क्लिक कर लेने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से एक ना बर्ड्स के PNG होंगे, मतलब बर्ड्स के PNG होंगे, उसकी वीडियोज़ होगी पूरी की पूरी, ठीक है। तो उसको हम ऐड करेंगे। एंड इसको ऐड करने के बाद जो है आप इसको फुल स्क्रीन करना थोड़ा सा यहाँ पे। आप चाहो तो इसको जूम आउट करके भी लगा सकते हो, अगर आपकी वीडियो में स्काई अगर अच्छे से अवेलेबल नहीं होगा तो आप इसको थोड़ा जूम आउट करके लगाना, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जैसे आप इसका ऐड करोगे आपको सिंपली यहाँ पर साइड में स्क्रॉल करना है, ब्लेंडिंग मोड में जाना है। एंड यहाँ पे जो इसका ब्लेंडिंग मोड रखना है आपको डार्कन, ठीक है गाइस। यहाँ पे फर्स्ट वाला जो होगा वो डार्कन होगा, ठीक है। उसका जब इतना कर दोगे गाइस आप लोग, तो उसके बाद जो आप लोग उसको अपने हिसाब से जो यहाँ पे रिमूव का मतलब कि गाइस जो मतलब कि जो मास्क के ऑप्शन में जो आपको एक ऑप्शन मिलता है लीनियर वाला, वहाँ से करना है, ठीक है। तो बट मैं इसको अभी जो है पहले इसका साइड छोटा कर लेता हूँ, क्योंकि ये जो मतलब मेरी वीडियो में तो इसका अच्छे से दिख रहा है गाइस, ठीक है। तो आप लोगों को जो है यहाँ पे इस टाइप से मैं रख लूँगा यहाँ पे, तो आप भी एक चाहो इतना रख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। तो सिंपली यहाँ से मैं चले जाऊँगा मास्क वाले ऑप्शन में, देन उसके बाद फर्स्ट वाला लीनियर, एंड उसके बाद मैं इसका रोटेट कर लूँगा ऊपर से इस तरीके से। एंड उसके बाद जो भी हमारा एरिया होगा नीचे से स्मूथ करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको लाइन जो एरो इसको हम मैस कर प्रेस कर लेंगे थोड़ा सा। एंड यहाँ पे गाइस जो है हमारे कंप्लीट हो चुका है गाइस, ठीक है। तो अब जो गाइस बारी आती है हमारी इसकी जो मतलब कि वीडियोस ऐड करने वाला, वो सब मैं गाइस यहाँ पे कट करके जो है मैंने इंस्टाग्राम मतलब टेलीग्राम में मैंने अपने दे दिया है गाइस, ठीक है, ताकि आपको जो टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करूँ मैं वीडियोज़ में। तो आप लोग डायरेक्ट वहाँ से डाउनलोड करके स्टार्टिंग में आप ऐड कर लेना, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे स्टार्टिंग की वीडियो देख के कि आपको कैसे ऐड करना है। तो अभी जो हम फिलहाल के लिए क्या करेंगे, जो हमारी कमी है अभी, जैसे कि हम एक मून ऐड कर लेते हैं इसमें, तो यहाँ से सिंपली हम चलेंगे यहाँ से फोटोज़ में। तो ये मून भी मैं आप सभी को दे दूँगा गाइस, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है पहले इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। सो ब्लेंडिंग मोड चेंज करके यहाँ पे क्या रखेंगे, जो आप लाइटन भी रख सकते हो गाइस, ठीक है, बट लाइटन में इतना अच्छे से विजिबल नहीं होगा ये, तो मतलब हम स्क्रीन रखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं पहले इसको लाइटन में एक बार चेक कर लेता हूँ। तो मून के पास मून को मैं कुछ इस टाइप से साइड में इस तरीके से लगाऊंगा, ठीक है। तो गाइस देखिए इतना मतलब कि अच्छा सा विजिबल नहीं है, मतलब इतना खास नहीं लग रहा है। तो इसके ऑपोसिटी भी कम करके देखा तो इतना खास नहीं लग रहा है। तो हम क्या करेंगे,
यहाँ से जब हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे एंड यहाँ से हम इसको रख लेंगे स्क्रीन। अब गाइस देखिए स्क्रीन में एकदम सुपर लग रहा है यहाँ पे, तो हम इसको जो है बीच में रख लेते हैं गाइस, ठीक है। साइड में इतना अच्छा नहीं लग रहा है ये, तो हम इसको बीच में रख लेंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसके ऊपर टैप करेंगे, इसको हम बीच में लेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद आपको नीचे दिख रहा होगा एक लाइन आ रही होगी, तो उस लाइन को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम दोबारा से वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो मतलब जो वीडियो बोल दिया मैंने, यहाँ पे जो लाइन है मतलब कि जो PNG लगाया था अभी हमने मून का, इसको हम सिंपली पहले इसका लेंथ पूरी बड़ी कर लेंगे एंड इसका जो एक लाइन आ रही है ना, इसको स्मूथ कर लेंगे। स्मूथ करने के लिए क्या करेंगे, वही सेम चीज़ करेंगे जो हमेशा से हम करते हैं मास्क के ऑप्शन में जाके। तो पहले हम अभी वीडियो को प्ले करके देख लेते हैं, अभी वीडियो हमारी काफ़ी ऑसम एडिट हो चुकी है अभी तो, बट एक काम रह गया जो कि अभी मैंने आपको बताया। तो हम सिंपली क्या करेंगे, मास्क वाले ऑप्शन में जाएंगे, फर्स्ट वाला ऑप्शन लेंगे लीनियर एंड इसको रोटेट कर लेंगे, वीडियो को नीचे ले आएंगे इसको एंड इसके बाद इसको जैसे स्मूथ कर देंगे गाइस, ठीक है। तो अभी ये लाइन भी गायब हो चुकी है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे जो हमारी वीडियो एकदम कंप्लीट एडिट हो जाती है गाइस, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, शेक इफेक्ट वगैरह ये सब जो है अगर आपको लगाना है नहीं आता है तो गाइस इसके ऊपर एकदम प्रॉपर वीडियो मैंने बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लेना। बाकी हम वीडियो को यहाँ पे सेव कर लेते हैं। बाकी गाइस आई होप कि आपसे वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, गुड बाय।